गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन चैप्टर टू वी हैव स्टडीड टू टॉपिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमीज. नाउ टुडे वी विल स्टडी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज. मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब प्रोडक्शन करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उसको एक हमने कर्व में शो करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. वो क्या होता है, इज़ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जिसमें टू गुड्स की कॉम्बिनेशन होती है, डिफरेंट होते हैं वो दोनों गुड्स, उनकी कॉम्बिनेशन होती है. विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. इन रिसोर्सेज के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अब हम अगर रिसोर्सेज देखें, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. अब ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन से आ गए, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर. मीन्स अगर हमें ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ लेबर और एंटरप्रेन्योर्स, मतलब हम उनको अपने कोई भी काम को प्रोडक्शन करने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करेंगे. एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर लैंड एंड कैपिटल. सो दीज फोर कम्स अंडर द रिसोर्सेज ऑफ बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. सो जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे जो हम दो गुड्स की कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्शन करते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अब इसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं, एजम्पशंस ऑफ पीपीसी. रिसोर्सेज आर गिवन. गिवन रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड. थर्ड इज टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट. रिसोर्सेज आर गिवन, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज़ करके हमने अपनी प्रोडक्शन करनी है. ठीक है, जो भी हमें प्रोडक्शन करनी है वो हम जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज़ करना है. सेकेंड है, गिवन रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, जो भी हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं वो फुली यूटिलाइज होने चाहिए. थर्ड इज टेक्नोलॉजी, अब हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें वो कांस्टेंट होने चाहिए, वेदर इट इज़ लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. अगर हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हैं तो वी शुड यूज़ ओनली लेबर इंटेंसिव, ये नहीं कि हम कभी लेबर इंटेंसिव कभी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें. तो वी हैव टू सेलेक्ट विच टेक्निक वी हैव टू फॉलो. नाउ नेक्स्ट इज अदर नेम ऑफ पीपीसी. पीपीसी के अदर नेम्स भी हैं, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन. अगर आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइट अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो आप पीपीसी को ही लिखेंगे. ऐसे ही दीज आर द अदर्स नेम, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन. सी हियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल. अब जो भी हमारे पास शेड्यूल मिलता है टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का, तो हम उसको अपने कर्व में कैसे बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सी हियर ऑन द टेबल कॉम्बिनेशन. अब कॉम्बिनेशन क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, दो गुड्स हैं हमारे पास, वीट एंड क्लोथ. अब हमने एक टाइम में एक ही, हमारे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे उसी को यूज़ करके हमने दोनों कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना है. सपोज सी हियर ए कॉम्बिनेशन, वी प्रोड्यूस 100 टन्स ऑफ वीट. अगर हम 100 टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर लेते हैं हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, तो हमारे पास क्लोथ की प्रोडक्शन क्या होगी, ज़ीरो. इफ़ अब बी कॉम्बिनेशन आया है तो इसमें से वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वीट सेक्रीफाइस करेगा, वीट का प्रोडक्शन 100 से डाउन जाकर के 90 हो जाएगा और वो क्लोथ का प्रोडक्शन, और उसकी जगह क्लोथ का प्रोडक्शन होगा. तो 1 इज़ फॉर क्लोथ एंड आफ्टर दैट फिर
फिर अगर हमें क्लोथ की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो हमें वीट के लिए फिर अगेन वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो फिर क्लोथ की प्रोडक्शन वीट के मुकाबले सेम टू सेम हो जाएगी। मीन्स जो कुछ इसने सेक्रीफाइस किया है उधर क्लोथ की प्रोडक्शन थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। आफ्टर दैट अगर फिर हम वीट की प्रोडक्शन कम करते हैं तो क्लोथ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स हमारे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके हमें प्रोडक्शन करनी है। अगर यहाँ देखो जब जीरो वीट की प्रोडक्शन है तो 4% जो है क्लोथ की प्रोडक्शन हो रही है। मीन्स इट डिपेंड, इसको हमने अपनी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है बाय यूजिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, अब इसको हम कर्व में कैसे बनाते हैं तो ये आपको मेरे साथ साथ पेंसिल ले लीजिए, अपनी पेंसिल इरेजर लेके एक नोटबुक लेके आप मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ कीजिए। आपने एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम आपने रखना है एक्स, एंड दूसरी लाइन उसी के साथ आपने ड्रॉ करनी है दैट इज़ वाई। अब जो वाई वाली लाइन है वहाँ पे हम क्या शो करेंगे, वीट। तो वीट 100% तक टोटल है तो हम यहाँ जीरो सबसे जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं मिल रहे हैं उस पॉइंट पे हम जीरो लिखेंगे। आफ्टर दैट 10 10 10 का डिफरेंस देकर हम 100 तक लेके जाएंगे। आफ्टर दैट बेस लाइन में क्लोथ है तो क्लोथ भी 4 तक है तो वी विल जस्ट राइट 0 1 2 3 4। ठीक है, आफ्टर दैट हम टेबल पे देखेंगे, सी हेयर कॉम्बिनेशन ए। अब कॉम्बिनेशन ए में क्या है, वीट 100 है और क्लोथ 0 है तो वीट 100। अब 100 पे डॉट लगा दिया हमने, जहाँ पे 0 क्लोथ है वहाँ 0 पे हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है बी कॉम्बिनेशन 90। तो अब 90 एंड 1 के बीच में हमने लाइन ड्रॉ करनी है। 90 से हम थोड़ा सा स्ट्रेट ले गए और 1 के साथ टच करके हमने एक लाइन बना दी। आफ्टर दैट 70, 70 के साथ 2 है, वी विल गो टू नियर 2 एंड जस्ट ड्रॉ लाइन। आफ्टर दैट 40, 40 से भी हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, 3rd तक गए, 3 तक गए और एक स्ट्रेट लाइन बना दी। आफ्टर दैट लास्ट में है 0 और 4, तो 0 पे डॉट है ही हमारे एंड 4 पे हम डॉट लगा देंगे। फिर ऊपर से हम एक कर्व बनाएंगे जहाँ पे हमने ए बी सी डी ई लिखना है, उस कर्व को हम ज्वाइन करते हुए नीचे, उस लाइन को हम हर डॉट से ज्वाइन करते हुए एक कर्व बनाते हुए नीचे तक 4 तक लेके आएंगे। उसके बाद ए के साथ हम लिख देंगे किसका कॉम्बिनेशन है, 100 0। आफ्टर दैट बी 71, सी यानी बी 91, सी 72, डी 43 एंड ई 04। इस कर्व को हम, ये कर्व क्या है, ये कर्व कैसा बन जाता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये कॉनकेव शेप में बन जाता है। नाउ टुडे आर दिस लेक्चर हैज़ कंप्लीटेड। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पीपीसी कर्व। आपको क्या करना है, अपने घर में इसको 2 टाइम्स बना करके प्रैक्टिस करनी है। देन नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक।